सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। मैं अपना आज हम यहाँ पर देखेंगे 5th और 6th जनवरी 2019 के वहाँ पर जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे उन सभी को। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का सवाल, तो हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रमोद कुमार सिंह। ठीक है, प्रमोद कुमार सिंह जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो सवाल है वह कि हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र मुंबई में इसका वहाँ पर आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो हाल ही में विश्व पुस्तक मेला किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि है नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है इसका 27वां संस्करण, यानी विश्व पुस्तक मेला का 27वां संस्करण का वहां पर उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। बता दें कि इस वर्ष विश्व पुस्तक मेला का थीम दिव्यांगजनों की पाठन आवश्यकताएँ हैं। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। तो हाल ही में किस देश ने पंजतीर्थ नामक हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पंजतीर्थ नामक जो है हिंदू धार्मिक स्थल है जिसको वहां पर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। यह उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है ओडिशा। ओडिशा के कटक में वहाँ पर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया जाएगा। यह इसका 80वां संस्करण होगा। यह जो है 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुल 35 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। तो वर्ष 2018 का रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार जो है यह किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है एस विजय कुमार। एस विजय कुमार को वहां पर रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म प्रिंट के लिए दिया गया, या प्रिंट श्रेणी का यह पुरस्कार था जो कि इन्हें 4 जनवरी 2019 को दिया गया। बता दें कि एस विजय कुमार जो है यह द हिंदू न्यूज़पेपर के वरिष्ठ उप संपादक भी हैं। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो हाल ही में किस राज्य सरकार को पोलावर परियोजना के लिए CBIP पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को वहां पर जो है CBIP पुरस्कार, यानी केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। पोलावरम परियोजना के अंतर्गत बता दें कि पोलावरम परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर, ठीक है, स्थित है। इसके अलावा यह जो CBIP का जो पुरस्कार दिया गया है वहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार को, तो यह दिया गया उसके जल संसाधन परियोजना की श्रेणी के अंतर्गत बेहतरीन कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद बात करें आगे, तो वर्ष 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है वाहिंगबम लमन गांबा सिंह। ठीक है, इनका पूरा नाम है वाहिंगबम लबन गांबा सिंह। इनको भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट यानी कि ACI के द्वारा जारी की गई वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था? तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पर जो रैंकिंग जारी की गई, इसके अंतर्गत पहले स्थान पर जो है वहाँ पर वह था आंध्र प्रदेश, ठीक है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर दिल्ली था। इसके बाद बात करें आज के अगले सवाल की, तो आज का जो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है वह है कि हाल ही में कहाँ भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन जो है यह, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए
जो कि है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में वहाँ पर भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह 12 से लेकर 14 जनवरी 2019 तक चलेगा। इसका आयोजन जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में मेनका गांधी हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है महिला किसानों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पर महिला जैविक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे आज के सवाल की। तो ऐसे में आज का जो हमारा सवाल है वह कि 49वें भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आंसर आपको हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।